नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल दीपक के भी। दोस्तों आज हम जानेंगे बेंडिंग मशीन के प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों इस बेंडिंग मशीन में जो पार्ट्स लगे होते हैं ये दोस्तों लमसम सभी कंपनी के बेंडिंग मशीन में होता है। तो दोस्तों आज हम इसी पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसे हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बेंडिंग मशीन के पास हम चलते हैं। दोस्तों आज हम आए हैं स्पार्टन कंपनी का एक बेंडिंग मशीन है। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये चल नहीं रहा है, इसमें करंट आ रहा है मगर ये काम नहीं कर रहा है। तो आज इसे हम देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है और किस कारण से ये बेंडिंग मशीन हमारा ऑन नहीं हो रहा है, चालू नहीं हो रहा है। उसको देखने के लिए दोस्तों आइए हमारे ये पैनल बोर्ड में देखते हैं, चेक करते हैं। दोस्तों ये स्पार्टन कंपनी का बेंडिंग मशीन है, आइए इसमें मैं दिखाता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम है। ये हमारा MCB ऑन करने पर दोस्तों ये हमारा इधर रेड लाइट जल रहा है, मशीन ऑन नहीं हो रहा है। इसको चेक करेंगे दोस्तों कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो नॉर्मली इस बेंडिंग मशीन में जो प्रॉब्लम हमारा आ रहा है ज़्यादातर दोस्तों हमारा ये VPR का आता है दोस्तों, वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले का। तो दोस्तों इसमें हमारा रेड लाइट जल रहा है मगर ये दोस्तों ग्रीन लाइट जो है ये नहीं चल रहा दोस्तों। तो इसे हम चेक करेंगे दोस्तों कि ये हमारा जो ये VPR है ये अच्छा है या ख़राब है। तो दोस्तों इसे आइए चेक करते हैं, हो गया। तो दोस्तों हम इस मल्टीमीटर की मदद से चेक करेंगे कि हमारा तीनों पॉइंट में लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 में हमारा वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों इसको इधर सेट कर देते हैं, इस पर थोड़ा जूम करिए 1 सेकेंड। डाल देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारा 437 वोल्ट आ रहा है इसमें। अभी दूसरा हम चेक कर लेते हैं उसको, चलो करो, रुक जाओ, चलो ना। देखिए दोस्तों इसमें भी हमारा 441 वोल्ट आ रहा है, मतलब हमारा वोल्टेज आ रहा है दोस्तों मगर हमारा ये VPR ख़राब हो गया दोस्तों। इसे हमें चेंज करके एक नया VPR लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारे पास एक VPR है, हम आप उसको चेंज करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको खोलने के लिए पहले हम इधर MCB ऑफ कर देंगे क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट दोस्तों। सारे नट को लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 सारा खोल देंगे। ये हमारा आउटगोइंग, ये देखिए दोस्तों ये हमारा 24 वोल्ट है, ये हमारा ओपन हो गया, ये देखिए ये हमारा वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले है दोस्तों। ये हमारा ट्रायल डेली है 0.2 to 10 सेकेंड्स। ये हमारा अंडर वोल्टेज है जो कि देखिए दोस्तों आपको ये है नीचे है अंडर वोल्टेज लिखा हुआ, ये जो हमारा अंडर वोल्टेज है 310 to 405 वोल्ट AC का है और हमारा ओवर वोल्टेज जो है वो 425 से 520 वोल्टेज तक का जो ओवर वोल्टेज ऊपर। इसमें क्या होता है दोस्तों जब हमारे बेंडिंग मशीन में ज़्यादा वोल्टेज आता है तो भी ये मशीन को चलने नहीं देता हमारा ये प्रिवेंटर, और जब कम वोल्टेज आता है तो भी इसे नहीं चलने देता ये हमारा। तो इसे दोस्तों हम चेंज करेंगे, चेंज करके दूसरा लगाएंगे इसको, लो ये दोस्तों ये देखिए ये हमारा दूसरा वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले है। इसे अब हम सेट करेंगे, सेट करके आपको दिखाएंगे कि हमारा जो बेंडिंग मशीन है अब ये वर्क करता है कि नहीं। इससे पहले चेक कर लेंगे दोस्तों हमारा ये बंद है तो पहले चेक करेंगे, उसके बाद दोस्तों इसको हम सेट करेंगे। इसमें दोस्तों हम हमारा लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 चेक कर लेंगे। ऐसे अच्छी तरह से दोस्तों
टाइट करेंगे। अब हमारे ये दो केबल है दोस्तों वायर, इसे हम पहले 15 नंबर में डालेंगे एक, और दूसरा 18 नंबर में। ये 15-18 जो पॉइंट है हमारा दोस्तों, ये देखिए आप, ये जो 15-18 है हमारा, ये एनओ है कॉमन, ये एनओ पॉइंट है, और ये 15-16 एनसी पॉइंट है, तो हम एनओ पॉइंट में डालेंगे। अब इसे दोस्तों हम सेट कर देंगे, ये हमारा सेट हो गया दोस्तों। इसमें लाइन डाल के चेक करेंगे दोस्तों कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों हमारा एक ग्रीन लाइट जल गया, ये भी लाइट हमारा जल रहा है, ये भी जल रहा है। ये ऊपर वाला दोस्तों ओवर वोल्टेज जो मैंने आपको पहले बताया था, और ये नीचे वाला अंडर वोल्टेज, इसे सेट करना पड़ता है दोस्तों हमारा ट्रिपिंग के लिए, कितने वोल्टेज पे हमें इसे ट्रिप कराना उस हिसाब से हमें इसे सेट करना पड़ता है। अभी देखिए दोस्तों ये ऑन हो गया है, हमारा तीनों में वोल्टेज भी बराबर आ रहा होगा, वो देखिए 440, 442 और 440 इसमें भी है हमारा, ठीक है दोस्तों। इसे हम निकालेंगे और आपको हम इसे चला के दिखाएंगे मशीन की, हमारा मशीन चल रहा है या नहीं। एमरजेंसी है फॉरवर्ड और रिवर्स बटन, एमरजेंसी है, इसे हम चालू करके आपको दिखाएंगे कि हमारा मशीन चल रहा है कि नहीं। इधर व्हील पे दिखाइए, देखिए हम अपने स्क्रूड्राइवर से हटा देते हैं, देखिए हमारा पिन पे सेट हो गया, इसको हटा देते हैं, हमारा रिवर्स, हमारा फॉरवर्ड, देखिए दोस्तों ये बढ़िया से चल रहा है। तो बेसिकली प्रॉब्लम दोस्तों इसमें ही था, इसमें था हमारा, तो इसे चेंज करने के बाद दोस्तों हमारा मशीन अच्छी तरह से चल रहा है। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।